हेलो एवरीवन, माय सेल्फ निधि चौधरी। कैसे हैं आप सभी? आज हम बनाएंगे पाव भाजी। हमने क्या क्या सब्जी ली है वो देखिए आप। आलू लिए हैं, गाजर, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज और हरी मिर्च। थोड़ा हमने यहाँ पे हल्दी पाउडर लिया है, नमक और अदरक का पेस्ट। सब्जियों को हमने ज़्यादा बारीक नहीं कट किया है, आप इस तरीके से ही कट कर सकते हैं। और इसको बनाना बहुत ही आसान है, बस सभी सब्जियों को कुकर में डालना है और उबालना है। ये झटपट बन के तैयार हो जाती है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुकर के अंदर आलू, गाजर और शिमला मिर्च को डालेंगे। लुक एवरीवन, अब हम इसके अंदर डाल देंगे हाफ कप के करीब पानी और साथ में नमक और हल्दी पाउडर। कुकर का हम ढक्कन लगा देंगे और 3 से 4 सीटी दिलानी है हमें, ताकि हमारी जो सब्जी है वो अच्छे से बनके तैयार हो जाए। हमने यहाँ पे फूल गोभी भी ली है। लुक जब तक हमारी सब्जियाँ बॉयल हो रही हैं, तब तक हम मसाला तैयार कर लेंगे भाजी के लिए। ये हमने यहाँ पे पैन लिया, इसके अंदर हम डाल देंगे बटर और साथ में हम ऑयल भी डालेंगे। इसको हल्का सा गर्म होने देते हैं। जब ये गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डाल देंगे जीरा, साथ में जो बारीक कटा हुआ प्याज है उसको, और जो हरी मिर्च है उसको। अदरक डाल देंगे, अदरक का जो पेस्ट बना के रखा है हमने, और इसको इस तरीके से चलाएंगे। इसका कलर चेंज होने देंगे, तब तक हमें इसको पकाना है। एवरीवन, जो हमारी प्याज है उसका कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसके अंदर डाल देंगे जो बारीक कटा हुआ टमाटर है उसको, साथ में हम नमक भी ऐड करना है। और नमक हम ऑलरेडी डाल चुके हैं, इसलिए हम थोड़ा सा नमक डाल दें ताकि हमारा जो टमाटर है वो जल्दी पक जाए। टमाटर को पकने में हमें 102 मिनट लगेंगे। अब हम इसके अंदर डाल देंगे लाल मिर्च, साथ में कश्मीरी लाल मिर्च। ये जो है ये तीखी नहीं होती, ये कलर के लिए डाली जाती है। एंड पाव भाजी मसाला, और थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे पानी और अच्छे से मिक्स कर देंगे। थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे। जो टमाटर है वो काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, तो टमाटर को बिल्कुल गला देना है। इसे हम 1 मिनट के करीब और पकाएंगे। वाओ, कितना प्यारा कलर आया है। लुक एवरीवन, हमारी जो वेजिटेबल हैं वो अच्छे से बॉईल हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं। हमने यहाँ पे 4 सीटी जलाएंगे। अब हम क्या करेंगे, जो पोटैटो मैशर है उसे हम इन सभी सब्जियों को मैश करेंगे अच्छे से, ताकि ये जो पीसेज हैं ये नज़र नहीं आए। लुक एवरीवन, हमने सब्जियों को अच्छे से मैश कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमारा जो पैन है, ये जो बॉईल की हुई हमारी सब्जी है वो सभी इसके अंदर हम ट्रांसफर कर देंगे। लुक एवरीवन, अब हम इनको एक दूसरे में अच्छे से इस तरीके से मिला देंगे। ये जो हमारी सब्जी है, आई मीन भाजी है, ये थोड़ी सी हमें गाढ़ी लग रही है, और इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे। दोस्तों, हमने पानी ऐड कर दिया है, आप देख लें आपको किस तरीके की भाजी चाहिए उसी के अकॉर्डिंग आपको पानी डालना है। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे बटर, क्योंकि बटर डालने से ही इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। और अब हम इसको उबाल दिलाते हैं
आई मीन थोड़ा सा और इसको हम पकाएंगे। सो एवरीवन, हमारी जो भाजी है वो बनके तैयार हो चुकी है। अब ये हमारे पास पाव है, इसको हमें क्या करना है, बीच में से कट कर देना है और दोनों साइड बटर लगा के हम इनको तवे पे सेक लेंगे। लुक एवरीवन, पाव जो है वो आपको इस तरीके से सेकना है, दोनों साइड से, इधर भी बटर लगाया और इधर भी ऐसे करना है। वाओ, हमारी जो पाव भाजी है वो बनके तैयार है, हमने इसको सर्व कर दिया है। आप देख सकते हैं देखने में इतनी टेस्टी लग रही है, तो सोचो कितनी अच्छी बनी होगी। आप लोग इसको ट्राई करना।